फाइनली गाइस हरिद्वार पहुंच गए हैं। तो हाँ, टाइम बज रहे 4। आप लोगों का स्वागत है सूरज ब्लॉग में। तो फिलहाल गाइस अभी बज रहे दिन के 2। तो हाँ, तो अभी फिलहाल हम आज फाइनली गाइस आज हम जा रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश बिकॉज जहाँ हमारी मम्मी पापा, जहाँ से मैं आया था, तो बिकॉज वहीं जा रहे हैं। हाँ, तो दो आज से कम 5-6 दिन बिकॉज वहाँ पे रुके हैं हम। तो हाँ, तो बिकॉज अब फाइनली जितने मेरे से ब्लॉग बनाया गया उतना मैंने ब्लॉग बनाया। तो हाँ, जितना मेरे से नहीं हुआ उतना नहीं हुआ। तो हाँ, जैसे बिकॉज जितना मेरे से ब्लॉग बना उतना मैंने बनाया यहाँ का ब्लॉग। तो हाँ, वैसे भी फाइनली आके बंदे जो है कैमरे वाने शर्माते हैं। तो हाँ, तो गाँव के तो गाँव है, फिर चलते हैं बिकॉज। तो पैकिंग वैकिंग तो फिलहाल अभी कर रहे थे, तो हाँ फिर वो वीडियो बनाते यार, फिर सप्पड़ का फिर ब्लॉग बनाते फिर यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाता। तो हाँ, तो इसलिए मस्त ना दोगे, रेडी तैयार एकदम फर्स्ट हो गए। तो हाँ, बिकॉज अब चलना चलना बाकी है। तो हाँ, अब चलते सी। और हाँ, मैं आप लोगों ने ये बोला कि अपनी फैमिली को नहीं मिलवाया, गाइस मेरी यार खुद मैम मेरी मजबूरी है, फैमिली मैं उनको बोलता हूँ कैमरे में लूँ, वो बोलते नहीं नेट पे नहीं डाल रहा। और बिकॉज आपने ब्लॉग में देखा भी होगा कैसे बोलते हैं, मेरी बड़ी मम्मी दादी बोलती कि मुझे बचा के, मतलब जितनी फैमिली ना वो सारे कैमरे वाने में शर्माते हैं। तो लोंडे हैं वो, तो बिकॉज जल्दी 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 आ ही जाते हैं उनको तो मतलब ये पड़ा कि मैं नेट पर जाऊँगा। तो हाँ, जिसे पता है उसे तो पता है कैमरे वाने बहुत शर्माते हैं। तो हाँ, अपना तो टैलेंट है, तो हाँ टैलेंट भाई मुझे नहीं करनी है शर्म। तो हाँ, तो बस बहुत कुछ मैंने बोल दिया। तो हाँ, तो चलते अब सीधा, बिकॉज अभी तो अनुज भैया तो तैयार ही हो रहे हैं यार। अब जुगर पूरी फैमिली में ब्लॉग बनाऊंगा ना तो सारे भी बोलेंगे, डांट देते हैं घर में क्या ब्लॉग नहीं बना, मतलब वीडियो नहीं बनाना है उन्हें, मतलब शर्म लगती है बहुत ज़्यादा ना। तो हाँ, बट मम्मी पापा मेरे हैं वो तो शर्माते नहीं हैं। तो हाँ हाँ, तो फाइनली गाइस मतलब और जा कौन रहे यार, ये तो मैं बताना ही भूल गया कौन कौन बिकॉज जा रहे हैं। हाँ, तो मैं और संदीप और विजय भैया और अनुज, तो हम चार थे तो पुराने हो तो आप लोग जानते होंगे वीडियो में। तो हाँ, और फाइनली जा रहा है एक हमारी मौसी का, ओ सॉरी हाँ विजय भैया की मौसी का लड़का फिलहाल वो जा रहा है। तो वो सब मतलब अब मतलब शॉर्ट में रास्ते में ना सबको दिखा दूंगा, बिकॉज रास्ते में दिखा दूंगा अब कोई अपने घर पे, कोई कहाँ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हाँ, ये तो मतलब मेरा रुमाल है। तो हाँ, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर नहीं कर रहा, तो मतलब कोई है नहीं मेरे पास, मैं अकेला हूँ और संदीप भैया मेरे सामने हैं, चलो उनसे तो मिलवा ही सकते हैं। इधर ये आ नहीं रहा यार, मैं क्या करूँ, अभी नया नहीं है, कपड़े पुराने हैं, ये बोल रहा नया, मैंने नया नहीं। तो हाँ, मिलवा दूंगा रास्ते में सबको मैं, अब कैमरे में मैं शूट करता हूँ, मैं बुलाता नहीं कि जो मतलब ब्लॉग में आता है उसे दिखाते हैं। तो बैठा हुआ वहाँ पे, क्वालिटी सही नहीं आ रही, नहाया क्यों नहीं, अभी नहाएंगे थोड़ी देर में, कब नहाएगा, मैं तो मस्त तैयार हो गया। काउंटर पे खड़े हुए हैं, तो बिकॉज टिकट कटाएंगे। तो हाँ, बिकॉज ट्रेन से ही जाएंगे, वो भी जर्नल से जैसे हम आए थे वैसे ही जाएंगे, तो रिजर्वेशन तो कराया नहीं। तो इधर ये विजय भैया, बाकी इधर अनुज और ये भैया हमारे साथ ही हैं। तो बिकॉज वैसे बहुत लोग जाएंगे, तो हाँ जितनों का मैं कैप्चर फोटो कर पाऊँगा तो कर लूँगा, क्योंकि यार है 11 लोग, तो 11 लोग बिकॉज जा रहे हैं हिमाचल। हम आए थे 4, क्योंकि 2 हम अनुज पहले आए, फिर विजय भैया पहले बाद में आए, फिर 11 लोग फाइनली 11 लोग जा रहे हैं यहाँ से हिमाचल। तो हाँ, 11 लोग से तो अभी तो फिलहाल कोई कैमरे से आने में शर्माता भी है ना। गुजरे और आधे घंटे बाद टिकट मिलेगी हमें जनता एक्सप्रेस की, तो हाँ भी आधे घंटे बाद वेट करते हैं।
गाइस ये जो बंदे हैं ये मतलब सहायता कर रहे हैं, पानी उन्हें मीठा पिला रहे हैं, जब बेचारे कितनी मदद करते हैं, थैंक यू इनको यार दिल से। तो हाँ गाड़ी चलने वाली चल गई है, फाइनली टिकट उठे कटा के एकदम मस्त अंदर आ गए। तो हाँ बस आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी जनता एक्सप्रेस, तो बस फटाफट निकलेंगे यहाँ से हरदोई से दफे दफे सीधा हिमाचल। सुन लो भाई बोल रहे हैं जनता ही आ रही है। फाइनली गाइस हरिद्वार पहुंच गए हैं, तो हाँ टाइम बज रहे 4। बिकॉज धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। ये हरिद्वार तो फाइनली रुक गई गाड़ी हमारी। गुड मॉर्निंग, तो हाँ बिकॉज देहरादून में तो बिकॉज मस्त उतर चुके हैं, तो हाँ अभी 7 बजे उतारा है, तो हाँ अब चलते सीधा पॉन्टे के लिए। देहरादून बस स्टैंड, तो वहाँ से बस पकड़ेंगे पोंटा के लिए, सीधा निकलेंगे आप पोंटा, तो अभी हम हैं देहरादून बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे सीधा जाएंगे पोंटा। फाइनली गाइस फाइनली अपने रूम पे हम बस पहुँच गए। इन्हें कितना निकल रहा है आप देखो, सारे ये पसीने पसीने हैं, सारा पसीना देखो, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा यार, तो काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल गया। तो अभी तो थोड़ा आराम करते हैं यार, दम लेते हैं थोड़ा, पंखा चल रहा है तो नॉइज़ सारी होगी, इसके लिए सॉरी। तो फिलहाल गई इस रात के बज रहे हैं 9:30, तो बिकॉज अब मैं मतलब अब ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि पता क्या, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया था ना तो सो गया था मस्त पढ़ के, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज का क्या, अभी कल का और आज का 2 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि कल हम घर से अपने निकले थे, जहाँ मैं गया था वहाँ से बट 2 बजे निकले थे, और वहाँ पहुँचे थे वही 11 बजे। तो वहाँ अब देख लो कितने घंटे हो गए, तो वहाँ जोड़ लेना अपने हिसाब से जो भी है। लोगों को वीडियो चलाओ तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बताओ मतलब पूरे दिन में ऐसे ही था फिर भी एडिट वीडियो नहीं किया,
अब बिकॉज वीडियो एडिट करूँगा, एक्सपोर्ट लगाऊँगा, सुबह अपलोड करूँगा, तो हाँ इसलिए।